हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपकी दोस्त नीता। तो दोस्तों, टाइटल देख के और थंबनेल देख के आपको पता ही चल गया होगा कि आज का वीडियो किसके ऊपर है। तो दोस्तों, मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि हमें फेशियल हेयर को रिमूव करना है, उसके लिए कुछ ऐसा बताइए जिससे कि हमारी स्किन खराब ना हो, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिससे हम अपने फेस के बालों को तो रिमूव कर लेते हैं बट उसके बाद हमारा फेस खराब हो जाता है, काला पड़ना स्टार्ट हो जाता है, दाग धब्बे पड़ जाते हैं, पिंपल्स पड़ जाते हैं, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, दो से तीन चीजें हैं, एक्चुअली तीन चीजें शेयर करने वाली हूँ। तो दोस्तों, जो तीसरी चीज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ना, वो मैं आपसे कहूंगी कि हर वीक आपको जरूर यूज करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों आजकल इतना ज्यादा पोल्यूशन है हमारी स्किन के ऊपर, बहुत ज्यादा ना हमारे जो पोर्स होते हैं स्किन में, जो हमें दिखाई नहीं देती, उसमें बहुत ज्यादा डर्ट भर जाती है और जिसके कारण हमें पिगमेंटेशन, पिंपल्स, ऐसी चीजें होनी स्टार्ट हो जाती है, हमारी स्किन बहुत ज्यादा डल हो जाती है। तो दोस्तों, इसके लिए ना जो पीलिंग्स आते हैं बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। तो जो आज आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ ना, वो आपको हफ्ते में एक बार जरूर करनी चाहिए। उससे क्या होगा, जितने भी आपके फेशियल हेयर है वो तो खत्म होंगे, उसके साथ साथ आपकी स्किन के ऊपर जो भी डेड स्किन होगी है वो निकल जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा, ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स सब चले जाएंगे और आपकी स्किन ना बहुत हेल्दी रहेगी। और इसको वीक में एक बार मैं जरूर करती हूँ, तो वही आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। और इसके अलावा दो चीजें ऐसी शेयर करने वाली हूँ जिसको कि आपको मंथ में सिर्फ एक बार ही करना है। दोस्तों तो दोस्तों दोनों ही रेमेडी बहुत ही ज्यादा इजी है यूज करनी और रिजल्ट आपको 101% मिलेगा। तो दोस्तों, मैं आपके साथ वही चीजें शेयर करती हूँ जिससे कि रिजल्ट मिले आपको, ताकि आपको उससे फायदा हो अगर आप उस रेमेडी को यूज करें और फिर से आप मेरे चैनल पे आए। अगर मैं आपके साथ कुछ ऐसे शेयर करूंगी जिसका कि फायदा ही ना हो, आप उस रेमेडी को यूज करें आपको फायदा नहीं होगा, तो आप क्यों मेरा वीडियो देखेंगे। तो इसलिए मैं आपके साथ वही चीजें शेयर करती हूँ जो कि मैं यूज करती हूँ, मुझे फायदा होता है, ताकि आपको भी उससे फायदा हो सके। और एक चीज मैं आपसे और कहना चाहूंगी कि थैंक्स अ लॉट कि मेरे जो वीडियोस को इतना अच्छा रिस्पॉन्स देने के लिए आप मुझ पर विश्वास करते हो, उस रेमेडीज को यूज करते हो अपने फेस के ऊपर, उसके बाद आकर अपना फीडबैक देते हो ना, तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और भी ज्यादा वीडियो बनाने का दिल करता है। दोस्तों, इसी तरह से अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। और जिनकी शादी होने वाली है, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, दोस्तों ऑलरेडी मैंने आपके साथ स्किन केयर रूटीन शेयर किया हुआ है, जिनके पिगमेंटेशन है उनका भी स्किन केयर रूटीन शेयर किया हुआ है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, तो वहां पे क्लिक करके आप उन वीडियो को जरूर देखिएगा, आपको 101% इससे फायदा होगा। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों, मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगी कि प्लीज आप वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरा सुनिएगा। अगर आप वीडियो को स्किप करके देखोगे तो कुछ चीजें ऐसी होती है जो बहुत ज्यादा जरूरी होती है, आपसे छूट जाती है, तो अगर आप उसको यूज नहीं करोगे, गलत चीजों को यूज करोगे, तो आपकी स्किन खराब हो सकती है। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा, ये वीडियो मैंने आपके लिए ही बनाया है। चलिए दोस्तों, अभी सारी बातें मैंने आपके साथ क्लियर कर दी, अभी आज की रेमेडी को शुरू करते हैं। तो जो हमारे फेशियल हेयर होते हैं ना, इनके बहुत ज्यादा रीजन होते हैं। एक रीजन ये होता है कि अगर आपके हार्मोन्स इनबैलेंस होते हैं तो आपके जो फेशियल हेयर है ना बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, या फिर अगर आपकी फैमिली में ही फेशियल हेयर की ग्रोथ ज्यादा है तो आपकी फेशियल हेयर की ग्रोथ भी ज्यादा होती है, या फिर अगर आपकी जैसे कि बहुत सारे रीजन होते हैं, जैसे कि थायराइड हो गया, पीसीडी हो गया, आप अगर प्रेग्नेंट हो तो आफ्टर डिलीवरी भी आपके जो बालों की ग्रोथ है ना बढ़ जाती है, क्योंकि हमारा हार्मोन्स लेवल बहुत अप एंड डाउन होता रहता है, लेडीज की यही प्रॉब्लम है, तो ये प्रॉब्लम्स आती रहती है। तो इसीलिए बहुत सारे ये रीजंस है दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों, मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है कि पहले भी कि मंथ में आप एक बार जो है ना, प्लीज वैक्स का जरूर यूज कीजिए। वैक्स अगर आप घर की बनाते हो ना, तो उससे आपको कोई भी नुकसान नहीं है। घर पे किस तरह से बनानी है, किस तरह से यूज करना है ना, उसका पूरा वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है, अपने फेस के ऊपर करके भी दिखाया हुआ है। दोस्तों, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वो वीडियो भी जरूर देखिएगा, कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जो कि डरते हैं, क्योंकि पहली बार अगर आप शुगर वैक्स बनाते हैं तो थोड़ा सा डर रहता है ना कि अगर हम फेस के ऊपर लगाएंगे हमारा फेस जल ना जाए, गर्म ना हो, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे आ रहे थे। तो जो मैं आज आपके साथ जो शेयर करने वाली हूँ ना, बहुत ज्यादा सेफ है, उसको भी आपको जो है ना मंथ में एक बार करना है, इससे ज्यादा आपको नहीं करना है, ठीक। इसके ऊपर कुछ भी अप्लाई नहीं किया हुआ है, तो दोनों ही रेमेडी अपने फेस के ऊपर करके दिखाऊंगी। तो यहाँ मेरे ना, मेरे वैसे ही भी ग्रोथ, क्योंकि मैं ये चीजें करती रहती हूँ, बहुत कम है, पर मेरे यहाँ पे ना बाल है जो कि आपको अभी दिखाई नहीं देंगे, आपको यहाँ पे ब्लैक ब्लैक दिखाई देगा, जब मैं इसको कर लूंगी ना तो मैं आपको दिखाऊंगी उसके ऊपर बाल आएंगे,
छोटे छोटे बाल है इतने नहीं है, क्योंकि अगर मैं मेरे बाल नहीं होंगे और उसको मैं यूज़ करूँगी इस रेमेडी को, तो अपनी स्किन मेरी जो है ना वो खिंच जाएगी, तो वहाँ पे भी आपको यूज़ करना है, यहाँ पे आपके बाल है। तो आप समझ सकते हो कि अगर मैं आपको करके दिखा रही हूँ, कैमरा कैच नहीं कर रहा है, बट मेरे यहाँ पे छोटे छोटे बाल है। आपको पता क्या करना है, ये वाली स्टिप्स लेनी है। तो दोस्तों ये आपको आराम से इजीली अवेलेबल हो जाएंगी और इसको इजी है यूज करना और कोई भी आपको नुकसान नहीं होगा। तो इसको ना इस तरह से स्ट्रिप्स में कट कर लेना है, ठीक है। और स्ट्रिप्स में कट करने के बाद इसको अगर लगाने का अगर आप सही तरीका यूज करोगे तभी आपके बाल रिमूव होंगे, अगर गलत तरीका होगा तो आपके बाल रिमूव नहीं होंगे। तो इसलिए मैं आपको अच्छी तरह से समझा रही हूँ दोस्तों। अगर आपको यहाँ पे बाल है तो बहुत ज्यादा इजी है इसको यूज करना, क्योंकि आपको यहाँ पे इस तरह से लगाना होता है, उसको पुल कर देना है। दोस्तों जो हमारे ना अपर लिप्स के ऊपर बाल होते हैं ना, उनको रिमूव करना थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ना आपको 3 बार स्ट्रिप्स का यूज करना पड़ता है। यहाँ पे जो आपको इस तरह से 3 हिस्सों में आपको डिवाइड करना है, जैसे कि एक यहाँ पे यहाँ के बाल नीचे की तरफ होते हैं, दूसरे यहाँ के, और तीसरा जो बीच वाला हिस्सा है। तो इस तरह से आपको जो है ना इस बालों को रिमूव करना है। स्ट्रिप्स मैंने कट करके रखे ना, इसको आपको इस तरह से दोनों हाथों के ऊपर इस तरह से रब करना होता है, इस तरह से, और उसके बाद आपको जो है ना इसको बीच में से खोल लेना है। इस तरह से दोस्तों आपको इसको ओपन कर लेना है कि यहाँ पे जो आपके बाल होंगे ना वो नीचे की तरफ होंगे। तो दोस्तों इस तरह से आपको इसको अपने लिप्स के ऊपर लगा लेना है, जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ। तो आपके सामने लाइव दिखाऊंगी कि जितने भी मेरे बाल हैं वो निकल गए थे, आपको इस तरह से नहीं दिखेंगे। तो दोस्तों इसमें अब आपको दिखा रही हूँ लाइव, आप देखिए मैंने कट नहीं किया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटे छोटे बाल थे सारे ही निकल गए हैं। तो इसी तरह से आपको दूसरी साइड के ऊपर लगाना है। एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप इसको लगाएं 10 सेकेंड के लिए अच्छी तरह से, जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ, आप इसको प्रेस कर लीजिए, उसके बाद स्किन को टाइट कर लीजिए हाथों से, उसके बाद रिमूव कीजिए। तो अभी आप यहाँ पे देखिए बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, बाल जो है निकल जाएंगे। दोस्तों बहुत ही इजी रेमेडी है ये, और इसको आप ना मंथ में एक बार ही करना है, ज़्यादा आपको नहीं करना है। तो सेंटर में आपको इस तरह से लगाना है और इसको टाइट करने के बाद आपको पुल कर देना है। दोस्तों बहुत ज़्यादा ईजी है, इससे आप अपने साइड लोग के जो बाल होते हैं चीक्स के, वो भी रिमूव कर सकते हैं, फोरहेड के बालों को भी रिमूव कर सकते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा बेस्ट का है। इसके बाद आपको क्या करना है, फिटकरी लेनी है दोस्तों, और फिटकरी का पाउडर लेना है, उसमें रोज वाटर मिक्स करना है। फिटकरी में होता है पोटाशियम, जैसे ही हमने इसको रिमूव किया वैक्सिंग करने के बाद हमारे जो पोर्स है वो ओपन हो जाते हैं, तो जब हम फिटकरी का पाउडर यूज करेंगे ना तो ये हमारे पोर्स में जाएगा, जिससे हमारे बाल बहुत ज्यादा वीक हो जाएंगे। तो अभी मैं बता रही हूँ दूसरी चीज जो कि आपको वीक में एक बार करनी है, ये स्किन वाइटनिंग के लिए परफेक्ट है दोस्तों। तो आपको क्या करना है, आपको लेना है मुलट्ठी, तो दोस्तों जिसे कहते हैं लिकोराइस पाउडर, ये काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन होता है, महंगी महंगी वाइटनिंग क्रीम में इसका यूज़ किया जाता है। आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी किस तरह से आप घर पे वाइटनिंग क्रीम बना सकते हैं। आपको मुलट्ठी का पाउडर लेना है, उसमें 2 पिंच ऐड कीजिए फिटकरी की पाउडर की, उसमें कोई भी जो भी आपके पास पील ऑफ मास्क है ना वो आपको इसमें ऐड कर लेना है दोस्तों, और अच्छी तरह फेस के ऊपर एक मोटी सी लेयर लगा लेनी है। हफ्ते में एक बार ही इसको करना है, अगर आपके बहुत ज़्यादा बाल हैं तो आप इसको हफ्ते में 2 बार भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ही ये ड्राई हो जाएगा इसको आपको नीचे से ऊपर की तरफ पुल करना है, आपको ये डायरेक्शन ही यूज करनी है। इस तरह करने से आपके ब्लैक हेयर्स, व्हाइट हेयर, छोटे छोटे जो बाल हैं वो रिमूव हो जाएंगे, स्किन बहुत बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी दोस्तों, अमेजिंग आपको रिजल्ट मिलेगा। तो ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा, आपके सामने ही मैं करके दिखा रही हूँ दोस्तों। तो इसको आप जरूर यूज कीजिएगा, यूज करने के बाद अपना फीडबैक मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा, इसको यूज करने से आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।